तो बच्चों हमें इन सामान की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे ये लाइट येलो कलर का पेपर लिया, ठीक है ना, ये पेपर लिया हमने, इसको हमने फोल्ड करना है, ठीक है ना। जैसे इसका हाफ आप दो कलर के पेपर से भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद जब ये फोल्ड हो जाएगा इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की पट्टी लेनी है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की यहाँ से और 4 सेंटीमीटर की यहाँ से, हमने 4-4 सेंटीमीटर की पट्टी लेनी है और इसे हम स्केल की सहायता से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद हमने इसको कट करना है, पर कट करना है हमने कितना, हाफ करना है। इसके बाद हमने 3 सेंटीमीटर यहाँ से निशान लगाना है और 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से निशान लगाना है, ठीक है। पहले हम इसे हाफ एंड हाफ कट करेंगे। यहाँ से हम इसे इतना कट करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे इतना कट करेंगे, ठीक है। कट करने के बाद हम इसे खोलेंगे, ठीक है। अब ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। अब बैक साइड हमने, जो हमारा बैक साइड है, ये हमने पूरा कट करना है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसे स्केल की सहायता से जोड़ ले, मतलब इसको कट कर ले। जहाँ पे हमने निशान लगाया यहाँ तक रहेगा रहेगा। इसके बाद हमने इसे यहाँ से भी कट कर लेना है और यहाँ से भी हमने इसे कट कर लेना है, ठीक। ये हमारा हिस्सा यहाँ से निकल गया। अब हमारा जो ये हिस्सा है, ठीक है ना, इस ये अभी हमने कम काटा है। अगर हमें जैसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे पूरा ठीक आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको हमने, इसमें हमने रबड़ की सहायता से जो हमने निशान लगाए हैं इनको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम इसे एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो कॉलर है वो कितने शेप तक बन रहा है। तो ये यहाँ तक इजीली बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस पर निशान लगा देंगे, यहाँ पे भी हम इस पर निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा निशान यहाँ पे लग गया है, ये हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। तो इसके बाद हमारा एक कॉलर रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक पॉकेट बनानी है, ठीक है ना। पॉकेट बनाने के लिए हम एक डिफरेंट, थोड़ा इससे थोड़ा डिफरेंट येलो कलर का पेपर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एक पॉकेट शेप काट लेनी है। तो हमने एक स्क्वायर शेप का एक कागज ले लिया है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे से हमने थोड़े से शेप देनी है, ठीक है। तो पेंसिल की सहायता से हमने थोड़ा सा, जैसे पॉकेट का जो राउंड शेप आता है यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से, इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। इसके बाद हम साइड टू साइड यहाँ पे इसे फेविकॉल से चिपका लेंगे। पूरा नहीं लगाना है हमने, केवल साइड टू साइड लगाना है, ठीक है। इसे आप हल्के हाथ से ऐसे फैला लें ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा यहाँ से गैप देते हुए लगाएं, चाहे साइड पे एकदम आप कॉर्नर भी कर सकते हैं, वो भी सही लगेगा। और यहाँ पे इसे चलाएं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई मैसेज भी डाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम स्पेस छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमने इतना कर लिया। इसके बाद मेरे पास एक ऐसे लाइट कलर की स्ट्रिप है कागज की, तो आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पे तक चिपका सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हमने इसे कटिंग कर लिया है और इसको भी हम फेविकॉल की सहायता से चिपका लेंगे, ठीक है। तो इतना ही होने के बाद हमने यहाँ पे एक टाई बनानी है, ठीक है। टाई बनाने के लिए हम रेड कलर की शीट ले रहे हैं, ठीक है। रेड कलर की शीट में हमने पहले एक स्ट्रिप काट लेनी है, ये हमने रेड कलर की स्ट्रिप काट ली है। इसके बाद हमें जितनी लंबी टाई चाहिए, अब जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ये फिट आ रहा है, ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इसको हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है, ठीक है। डबल फोल्ड करने के बाद, ऐसे डबल फोल्ड कर लेने के बाद इसमें हमने
आपको पता है टाई का शेप कैसा होता है, ये और फिर नीचे से इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से इस तरीके से हमने इसमें मार्क कर लिए। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। इतना हमने कट कर लिया तो ये हमें एक टाई की शेप मिल चुकी है। अब यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा है ये अगर अंदर आएगा तो पूरा एकदम लगेगा, तो हमने इसको इतना कट कर लेना है, ठीक। इतना कट कर लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से, ताकि ये क्या है, ये इतना दिखे, ठीक है। हमने इसको गोंद की सहायता से चिपका लेना है। तो इसके बाद हमने कॉलरों को भी यहाँ पे चिपका लिया। इसके बाद चाहे तो आप टाई में कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे स्पॉट से बना रही हूँ, ठीक है। आपके पास कोई डार्क कलर हो, ब्लैक ब्लू जो रेड के ऊपर दिख जाए, मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, तो आप ऐसे करके ऐसे स्पॉट से मार सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप डॉट भी मार सकते हैं, चाहे आप ऐसे स्ट्रिप्स भी मार सकते हैं। स्ट्रिप्स आप तब मारिएगा जब आप ये अलग से काम कर रहे हो, वरना ऐसे में निशान पड़ेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कार्ड बनाएंगे छोटा सा। और मैस्ट कार्ड बनाने के लिए मैंने इतना सा टुकड़ा लिया, इतना आपको इतना टुकड़ा लेना है जो इसके अंदर इजिली चले जाए, ठीक है ना। फिर तो इसके बाद आपको थोड़ा इस तरीके के निशान बना लेना है ताकि ये ऊपर से शेप में सही लगे, ठीक है। और इसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद ये इजीली आपको केवल इतना ही डालना है, इतना, ठीक है, ताकि ये देखने में भी ठीक लगे। इसके बाद हमने यहाँ पे छोटा सा एक फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए आपको ऐसे कोई सा भी आपके पास डिफरेंट कलर का कागज हो तो आप लेके इसे आपको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स, ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप इंच पे यहाँ पे आपको कट कर लेना है, पतला 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 पतला, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये पूरा पेपर कट कर लेना है। जब आपकी पूरी स्ट्रिप ऐसे कट जाएगी, इसके बाद तो हमने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड हम कैसे करेंगे, एक ऐसे दो इस तरीके से। अब फोल्ड करते करते हमने इसको ऐसे राउंड एंड राउंड फोल्ड करना है। चाहो तो जहां पे आपको जरूरत लगे कि ये निकले ना, तो वहां पे आप थोड़ा सा इसमें फेविकॉल लगा के इसे एकदम बाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे हमने घुमाते घुमाते पूरा इसे बंद कर लेना है। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये फूल बनता जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लगा देंगे। इसे हम बाहर निकालेंगे पहले, और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा साइड पे ले जाके इस तरीके से पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने इसे लगा देना है। अब देखिए ये यहाँ पे से जा रहा है, ठीक है ना। बस इतना हमने ये यहाँ पे लगा देना है। चाहे तो आप यहाँ पे एक दो छोटे फूल और बना सकते हैं। इस फूल बनाने के लिए आप ऐसे ऐसे टुकड़ा ले सकते हैं कागज का, उसके बाद आप इसे इस तरीके से फोल्ड कीजिए, इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, और यहाँ पे इसको एक शेप में काट लीजिए। ये और इस तरीके से, ठीक है। ये काटने के बाद आपको इस तरीके से फूल मिल जाएगा, लेकिन हमने इसको पूरा ऐसे ही नहीं लगाना है। यहाँ से हमने इसकी एक स्ट्रिप, यहाँ से हमने एक पत्ती हमने इसे काट देनी है, ठीक है। काटने के बाद यहाँ पे हमने फेविकॉल की सहायता से इसको ऐसे फोल्ड पकड़ के और इस तरीके से चिपका देना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे उठावा सा लगेगा आपका फूल, ठीक। जैसे ये था यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे फूल तैयार कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको बाहर से
यहाँ पे इस तरीके से इसे चिपका सकते हैं। तो ये आपका बाहर का डेकोरेशन हो गया। इसके बाद हमने, आप इसमें मैसेज भी लिख सकते हैं, जैसे हैप्पी फादर्स डे, ठीक है, इसमें आप मैसेज लिख सकते हैं हैप्पी फादर्स डे का। आपके पास कोई डार्क कलर हो जिसमें ये ऊपर से दिख जाए, या स्पार्कल आपके पास पेन हो, आप उसमें से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इससे लिख सकते हैं। और अंदर भी आप अपने फादर के लिए कुछ भी आप मैसेज लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें यहाँ पे मैसेज लिख लेंगे, ठीक है ना, ये इससे नीचे ले सकते हैं। जैसे ये इतना मैसेज लिख के आप अंदर से डाल सकते हैं, चाहे तो आप दूसरे कलर का पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो ये इतना जाना चाहिए बस, ठीक है। तो आप सभी अपने फादर के लिए कार्ड बनाइए, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कार्ड तैयार है।